आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत व मुल्क भर में ईद उल फित्र नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाहों और मसाजिद में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र। ईदगाह मीरालम में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, मुशीर काज मोहम्मद अली शब्बीर और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। बीआरएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में एक भी निशस्त हासिल नहीं करेगी, कांग्रेस कायद कोमट रेड्डी ने किया दावा। देखते हैं खबरों की तफसील। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना और मुल्क भर में ईद उल फित्र रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुसलमानों ने बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदाए शुक्र बजा लाते हुए नमाज ईद उल फित्र अदा की और 30 रोजों की तकमील पर शुक्राना भी अदा किया। नादिगामी दोनों शहरों की ईदगाहों और मसाजिद में हुई नमाज के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमर के साथ। मुल्क भर में आज ईद उल फित्र जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली के अलावा मगरबी बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अलावा तमिलनाडु के बाज इलाकों में ईद के कसीर इज्तिमात देखे गए। इस बार नमाज ईद के मौके पर गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए भी दुआएं की गईं। कई सियासी कायदीन ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। शहर हैदराबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीरालम में देखा गया। हजारों बंदगान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा किया। नमाज ईद से कबल मौलाना डॉक्टर सैफुल्ला रहमानी ने अपने खिताब में मुसलमानों को माह रमज़ान के बाद इबादतों को जारी रखने की तलखीन की। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने भी ईदगाह मीरालम में अपने खिताब में माह रमज़ान की फजीलत, रमज़ान के बाद के आमाल, वालदेन की इताअत, मजहबी जिम्मेदारियों पर तफसीली रोशनी डाली और मुल्क के मौजूदा हालात से मुतालिक भी मुसलमानों को खबरदार किया। وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ
ईदगाह मीरालम में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने नमाज ईद अदा की और मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। बैरिस्टर अवैसी ने रमज़ान के बाद भी इबादतों के अमल को जारी रखने की तलखीन की। मजलिस की तरफ से ईदगाह मीरालम में हमेशा की तरह वॉलंटियर्स कैंप भी लगाया गया था। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह सुबहाना व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक आमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाज़ें हमने पढ़ी, अल्लाह सुबहाना व तआला इन तमाम को कबूल फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि जिस तरह इस रमज़ान के माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई, हमको रहम सिखाया गया, हम आने वाले 11 महीनों में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में भी ईद की नमाज का कसीर इज्तिमा देखा गया। सुबह से ही मुसल्ली मस्जिद में जमा हो रहे थे। हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अहमद ने नमाज ईद की इमामत की। हालिया एक वाक़े के बाद मक्का मस्जिद में पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में नमाज ईद उल फित्र खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खिताब किया। हाफिज़ बुखारी शौकतुल्लाह गौरी ने अरबी खुतबा दिया और हाफिज़ बुखारी मोहम्मद शरफुद्दीन इमरान ने नमाज ईद की इमामत की। रुकन असेंबली मलक पेट अहमद बलाला की निगरानी में नमाज ईद के लिए मौसर इंतजाम किए गए थे। रुकन असेंबली मलक पेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद अदा की और बगलगीर होकर मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने मुसलमानों से लोकसभा के इंतखाबात के मौके पर रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में अपने खिताब में मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने आज के मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से वाकिफ करवाया और ये अपील की कि मुनज़्ज़म होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। मौलाना ने गाज़ा में इसराइल की तरफ से किए जा रहे मजालिम का भी हवाला दिया। इसराइली अशिया के बाइकाट की भी अपील की। وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हमारी जिंदगी का दारो मदार, ऐसा नहीं है कि हम सब अगर नहीं पिए हम तो हमारी जान निकल जाएगी, हमारी सेहत को फायदा ही पहुंचेगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि इसराइल का बना हुआ साबुन अगर हम इस्तेमाल नहीं करें तो कोई और साबुन ऐसा नहीं है जिससे हम अपने बदन धो सके। मेरे भाई और बुजुर्गो, इस्लामी हुकूमत और दीनी गैरत का कम से कम तकाजा यह है कि इसराइल मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट कीजिए और मुस्तकिल इस बायकॉट को जारी रखिए। बाल लोग कहते हैं कि साहब आप बता रहे हैं बायकॉट कर देंगे तो उससे क्या होने वाला है, यह बहुत ही नासमझी की बात है। अगर आपको एक आदमी ने थप्पड़ मार दिया, आप एक बाइज्जत आदमी हैं, किसी ने आपके मुंह पर मामूली सी बात पर तमाचा रसीद कर दिया, आपने अपनी जिल्लत महसूस की, चंद रोज के बाद उसके यहां शादी की, तो आप कहते हैं कि मैं उसकी शादी में शरीक नहीं हूंगा। क्या आपके शादी में शरीक न होने की वजह से उसकी शादी रुक जाएगी? क्या इसकी वजह से उनकी तकरीर थम जाएगी? लेकिन हमारे जज्बात का यह तकाजा है, हमारी दीनी गैरत का यह तकाजा है कि हम अपने आप को ऐसी मसनूआत से बचाएं ताकि इसके जरिए उनको माली नुकसान पहुंचे। हम जानी नुकसान पहुंचाने के मौके पर नहीं है, तो जो नुकसान हम उनको पहुंचा सकते हैं हमें वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मौजूदा हालात में ये शरई फरीजा है। ईदगाह उजाले शाह सैदाबाद में गाज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए रिखत अंगेज़ दुआएँ की गईं। उम्मत मुसलिमा और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी दुआएँ की गईं। ईदगाह उजाले शाह सैदाबाद के पास इसराइली परचम को भी फर्श पर रखा गया, जिसे रौनते हुए मुसल्ली ईदगाह में दाखिल हुए और फिर वापस हुए। حلقہ اسمبلی کاروان میں حکیم پیٹ درگاہ سے متصل عیدگاہ میں رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے نماز عید الفطر ادا کی۔ رکن اسمبلی نے بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دی۔ گنبدان خطب شاہی عیدگاہ میں بھی نماز عید کا کثیر اجتماع دیکھا گیا۔ عیدگاہ حبیب علی ماساب ٹینک ہاکی گراؤنڈ پر بھی نماز عید ادا کی گئی۔ کاروان کے مختلف عیدگاہوں میں نماز عید کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔
میرے نبی نے تو بلال کا ایمان اتنا پختہ تھا, صحابہ کا ایمان اتنا پختہ ایمان تھا, اور ایک صحابی رسول آج یہ عید کا ہے کہ عید کے دن ہم جو ہے بلا ہو جائے جو پریشان حال ہے وہ بھی عید کا دنوں کا خیال کریں, پڑوسی کا خیال کریں, اپنے ساتھ میں رہنے والوں کا ہر ایک کا خیال کریں, ایک دوسرے کی مدد کرنے کی عادت ڈالیں, اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے, آپ پریشان تو نہیں ہے, آپ مصیبت میں تو نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی اللہ عیدگاہ مدینہ پیٹ میں بھی ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید الفطر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. شہر میں عید الفطر کے موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا, عیدگاہوں اور مساجد کے پاس پولیس تعینات نظر آئی. نماز عید الفطر کے لیے شہر میں سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میر عالم پر دیکھا گیا, جہاں حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. کمشنر پولیس حیدرآباد نے نماز عید کے بعد اس سلسلے میں کیے گئے انتظامات پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے مسلمانوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد بھی پیش کی. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام شہری مل جل کر شہر اور ریاست کی ترقی کے لیے کام کریں گے. اس موقع پر ڈی سی پی ساؤتھ زون کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. عید الفطر کے اوسر پہ تمام حیدرآباد واسیوں کو حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے میں شبھ کامنا دے رہا ہوں, اور ہم سب مل کے اس شہر کو ڈیولپمنٹ کے لیے, شہر کا نام اور شام کے لیے کام کریں گے. تھینک یو سو مچ. ادھیا تلنگانہ اے ریونت ریڈی اور تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ریاست کے مسلمانوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کی ہے. دوسری جانب کانگریس قائد کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ لوک سبھا انتخابات میں بی آر ایس پارٹی کو ایک بھی نشست حاصل نہیں ہوگی. ناظرین, ان اہم خبروں کے ساتھ دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے ثنا احمد کے ساتھ. تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی نے ریاست کے عوام کو عید کی مبارکباد دی. ریونت ریڈی نے حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کی خیامگاہ پہنچے اور انہیں عید کی مبارکباد دی. محمد علی شبیر کی طرف سے وزیراعلی کے اعزاز میں ناشتے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. کانگریس پارٹی کے لیڈر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ لوک سبھا کے انتخابات میں بی آر ایس کو ایک بھی نشست پر کامیابی حاصل نہیں ہوگی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کومٹی ریڈی نے کہا کہ عوام نہیں چاہتے کہ بی آر ایس پارٹی کامیاب ہو. اسمبلی کے انتخابات میں اسے شکست ہوئی تھی اور اب لوک سبھا کے انتخابات میں بھی شکست ہوگی. ఎప్పుడు కూడా మా పార్టీ ఇంటర్నల్ లో మాట్లాడితే మీకు ప్రజలు సరైన బుద్ధులు మన చెప్పిను, మీకు ఒక్క సీటు తెచ్చుకోవాలంతే
ఒక్క సీట్ అనేది ఎత్తుకో పార్లమెంట్ ఎన్నికల దానికి కోమటెడ్డి సిద్ధం. దేనికంటే దూరం రఘువీర్ शराब पॉलिसी केस के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बाद अब सीबीआई ने बीआरएस के रुकन काउंसिल के कविता को गिरफ्तार किया है. दराय के मुताबिक कविता जुमेरात की रात तिहाड़ जेल में ही रहेंगी और जुमे की सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. बताया जा रहा है कि सीबीआई ने कविता से पूछताछ के लिए अदालत से उन्हें तहवील में देने की दरख्वास्त करेगी. इससे पहले सीबीआई की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते कविता से जेल में ही सीबीआई की टीम ने पूछताछ की थी. बीआरएस के रुकन असेंबली केपी विवेकानंदा ने कांग्रेस पार्टी को उलझन से भरी पार्टी करार दिया है. मीडिया से बात करते हुए विवेकानंदा ने कहा कि अगर राहुल गांधी एक तरफ अखलाक की बात करते हैं तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी निचली सतह की गुफ्तगू करते हैं. रेवंत रेड्डी नरेंद्र मोदी को बड़ा भाई कहते हैं, गुजरात मॉडल की सताइश करते हैं और अदानी के साथ सरमायाकारी की कोशिश करते हैं, जबकि ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है. అక్కడ రాహుల్ గాంధీ నిధులు చెప్పిపోతా ఉంటే ఇక్కడ మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు గోతులు తవ్వుతా ఉన్నారు. ఇది స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉన్నది. ఈ విషయమే కాదు, నరేంద్ర మోడీ గారి బడేబాయి విషయం కాడికే తీసుకుంటే, అదాని విషయం కాడికే తీసుకుంటే, గుజరాత్ మోడల్కి తీసుకుంటే, ఈరోజు పార్టీ ఫిరాయింపుల విషయం వరకు అనేక అంశాల పట్ల వారు ఆయన నీతులు చెప్తా ఉంటారు, వీరు ఇక్కడ గోతులు తవ్వుతా ఉంటారు. ఈరోజు ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి ఈ విషయం పైన. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ రాష్ట్రంలో? కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు చెప్పుకొని అధికారంలో వచ్చిన వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో? రాష్ట్రం ఇక్కడ ఇటువైపు తీసుకుపోతున్న ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. అందుకే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ స్థాయిలో కానివ్వండి, ఇక్కడ కూడా విశ్వసనీయత లేదు. వారు ఉనికి కోల్పోయినారు. ఈరోజు సరాసరి వారి యొక్క వ్యవహార శైలి ఎట్లయిపోయిందంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీది ఒక వ్యవస్థ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఏ రకంగా ఉందంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఒక కాంట్రడిక్టరీ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఒక కరప్షన్ పార్టీ. కాబట్టి ఈ మూడు సీలు కాంగ్రెస్ అనేది ఈరోజు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నది, కాంట్రడిక్షన్లో ఉన్నది, అదేవిధంగా కరప్షన్ చేస్తా ఉన్నది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది. हैदराबाद में ईद की खरीदारी आखिरी दिन रात देर गए तक जारी रही. शहर के अहम मरकज चारमीनार के पास तकरीबन फजर की अजान तक भी हुजूम देखा गया. नए पुल से लेकर शालीबंडे तक मुसलसल ट्रैफिक जैम रही. एक तरफ बाजार में कपड़े, पर्दे, जूतों, चप्पलों के अलावा इतर की खरीदारी भी की गई. एक माह के दौरान माह रमजान ने यह पैगाम दिया है कि ईद और त्यौहार कैसे मनाए जाने चाहिए. एक महीने से बाजारों में रौनक है. पुलिस को किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आईं. इस बार हैदराबाद के पुराने शहर में गैर मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ी तादाद में खरीदारी की और रमज़ान की डिशेस से भी लुत्फानंदोज़ हुए. अवाम में किसी भी तरह का कोई डर और खौफ नहीं था. खुशगवार और पुरसकून माहौल में रमज़ान में ख़रीदारी की गई. मुल्क में बाज़ दूसरे त्यौहारों के मौके पर अमन व क़ानून के मसाइल खड़े हो जाते हैं, लेकिन रमज़ान का ये महीना एक मिसाल है जहाँ सभी मज़ाहब के लोग मिलकर ख़रीदारी करते हैं और भाईचारे के साथ इस महीने का लुत्फ उठाते हैं.
शहर हैदराबाद के अहम तिजारती मराकज मदीना बिल्डिंग, पत्थर घटी, चार मीनार, लाड़ बाजार, मक्का मस्जिद, शाली बंडा और उसके आसपास के इलाकों में कचरे के अंबार देखे गए। बल्दिया की टीमों को चौकस भी रखा गया, लेकिन सुबह के औकात में कचरे की निकासी नहीं हुई थी। दोपहर के बाद कचरे की निकासी अंजाम दी गई। वारंगल में बस स्टैंड की निदामी कार्रवाई के दौरान एक मुलाजिम वाटर टैंकर के नीचे आकर फौत हो गया। महलूक मुलाजिम की शिनाख्त बुनता रवि के हिस्से से की गई है। इत्तला मिलते ही आला ओहदेदार मुकामे वाकया पहुंच गए। इस वाकये की तहकीकात की जा रही है। ఏయ్ ఇది డన్ ఎందుకు ఆ ఏయ్ సరే చేసి పోతే
आंध्र प्रदेश के ओंगोल में वाईसीपी और तेलुगुदेशम कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। बताया जा रहा है कि वाईसीपी के उम्मीदवार बी श्रीनिवास रेड्डी और तेलुगुदेशम के उम्मीदवार जनार्दन का जब आमना सामना हुआ, दोनों के हामियों के दरमियान बहस और तकरार हुई और उसके बाद हाथापाई हुई। दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शमसाबाद म्यूनसिपैलिटी के हदूद में गगन पहाड़ रोड के पास तलाशी मुहिम के दौरान एसओटी पुलिस ने भारी मकदार में नकली सिगरेट जब्त किए हैं। इन नकली सिगरेट की मालियत 225 करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनका ताल्लुक बिहार से बताया गया है। تلنگانہ کانگریس کے سینئر اقلیتی قائد مشتبہ عابدی نے مسلمانوں اور بالخصوص کانگریس کے اقلیتی قائدین کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ کانگریس حکومت ریاست تلنگانہ میں ایک مرتبہ پھر خوشحالی لائے گی اور اندرما راج کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر سیف عابدی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بات رہے کہ مشتبہ عابدی کانگریس پارٹی سے زمانۂ طالب علمی سے جڑے ہیں، لیکن تاحال انہیں پارٹی نے کوئی عہدہ نہیں دیا ہے۔ دیگر کانگریس اقلیتی قائدین نے اپیل کی ہے کہ مشتبہ عابدی کو فوری طور پر مشیر خاص تلنگانہ حکومت مقرر کیا جائے اور ان کی خدمات کا صلہ انہیں دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں کو میں جن کی گھر سے عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے آج اس موقع پر میں ہم سب کی جانب سے یہاں پر فلسطینی بھائیوں سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے ان کے حق میں اور عالمی امن، بھائی چارگی، خوشحالی، یکجہتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار سے دعا ہو رہتے ہوئے میں یہاں پر تلنگانہ اردو کونسل کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے اس درمیان میں یہ موجود یہ سیف علی عابدی صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم دل کی گہرائیوں سے تمام بھائیوں کو، طلبا نوجوانوں کو اور تمام مسلم ہمارے بھائیوں کو، برادران اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے، نیک تمنا خواہش اظہار کرتے ہوئے، فلسطینی بھائیوں سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں امن آشتی کا پیغام جو ہے وہ پھلے پھولے اور ہم سب ایک مل جل کر امن آشتی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملک کی ایکتا اور عالم امن کے لیے ہم ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب مل جل کر رہتے ہوئے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست و ملک بھر میں عید الفطر نہایت جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔
ईदगाहों और मसाजिद में अदा की गई नमाज ईद उल फित्र, ईदगाह मीरालम में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, मुशीर काज मोहम्मद अली शब्बीर और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। बीआरएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में एक भी निशिस्त हासिल नहीं करेगी, कांग्रेस हायत कोमट रेड्डी ने किया दावा। इसी के साथ रूबरू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।